ये 12 अगस्त को थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक बैंक से लगभग 9,80,000 रुपये किसी फ्रॉड के द्वारा फोन करके किसी अन्य खाते में मंगवा लिया गया था। उसको लेके कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें हमारी सर्विलांस की टीमें, एसओजी की टीमें लगातार इसको ट्रेस कर रही थी इस पैसे को, और एक काफ़ी चेन इस्टेब्लिश करने के बाद और कड़े परिश्रम के बाद कोतवाली की टीम और हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम को इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो दो अभियुक्त जिन्होंने पैसा विड्रॉ किया था उनको गिरफ्तार किया गया है, क्रमशः अनुज कुमार शर्मा और अजय भारती। इनसे वो एटीएम भी बरामद किए गए हैं, वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है जिसमें वो सिम डला था, तथा इनके फर्जी आधार कार्ड और लगभग 2,60,000 रुपये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ है जिसके द्वारा इस प्रकार के फ्रॉड की कार्रवाई की जाती है। इनके द्वारा खाते में, अकाउंट में पैसे मंगाकर फिर अन्य खातों के माध्यम से निकालने का कार्रवाई किया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है कि पैसा निकाला एटीएम से नहीं बल्कि पेट्रोल पंप से गया है, और जो कि एक गंभीर बात है। इसको लेके पेट्रोल पंप मालिकों को भी सजग होने की आवश्यकता है कि किसी इसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इनके पेट्रोल पंप का दुरुपयोग कैश निकालने के लिए ना किया जाए। इसको लेके भी हम अपने स्थानीय पेट्रोल पंपों को ये एडवाइजरी जारी। सर, फरार अभियुक्त के खिलाफ है सर ये, अभी हमने दो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, इनसे पूछताछ में अभी लगभग 6 से 7 नाम और आए हैं, उनको अभी तस्दीक किया जा रहा है। ये कई अन्य राज्यों के हैं और कई अन्य जनपदों के हैं, तो इनके पूरे चेन को इस्टेब्लिश करते हुए इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की।